दोस्तों आज के वीडियो बहुत ही खास होने वाले, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग दुनिया के एक बहुत ही खूबसूरत और विकसित देश फ्रांस को अच्छे से एक्सप्लोर करने वाले हैं। तो वीडियो में आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, तो वीडियो को भी से कर दीजिए लाइक, और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। दोस्तों फ्रांस या फ्रांस आधिकारिक तौर पर फ्रांस गणराज्य यानी रिपब्लिक ऑफ एशिया फ्रांस पश्चिम यूरोप में स्थित एक देश है, किंतु इसका कुछ भूभाग संसार के अन्य भागों में भी है। दोस्तों पेरिस इसकी राजधानी है, यह यूरोपीय संघ का सदस्य है। क्षेत्रफल की दृष्टि से यह यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा देश है, जो उत्तर में बेल्जियम, लक्जमबर्ग, पूर्व में जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, दक्षिण पश्चिम में स्पेन, पश्चिम में अंटार्कटिक महासागर, दक्षिण में भूमध्य सागर तथा उत्तर पश्चिम में इंग्लिश चैनल द्वारा घिरा है। इस प्रकार यह तीनों ओर से सागर से घिरा है। दोस्तों फ्रांस में आमतौर पर फ्रांसीसी भाषा ही बोली जाती है। दोस्तों फ्रांस में लगभग 63 से 66% ईसाई, 7 से 9% मुसलमान, 0.5% बौद्ध, 0.5% यहूदी, 0.5% अन्य और 28% लगभग लोग बिना किसी धर्म के मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों फ्रांस कुल लगभग 7 लाख वर्ग किलोमीटर एरिया को कवर करता है और यह दुनिया के खूबसूरत देशों में शामिल है। दोस्तों लव युग के दौरान अभी के महानगरीय फ्रांस को कैटलिक से आए गॉल्स ने अपना निवास स्थान बनाया। रोम ने 52 ईसा पूर्व में इस क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। फ्रांस गत मध्य युग के 100 वर्षों के लिए युद्ध 1337 से 1453 में अपनी जीत के साथ राज्य निर्माण और राजनीतिक केंद्रीयकरण को मजबूत करने के बाद एक प्रमुख यूरोप शक्ति के रूप में उभरा। दोस्तों फ्रांस शब्द लतीनी भाषा के प्रकिनिया शब्द से आया है, जिसका अर्थ फ्राक्स की भूमि क्रॉकलैंड है। आधुनिक फ्रांस की सीमा प्राचीन गॉल और सीमा के समान ही है। दोस्तों महानगरीय फ्रांस पश्चिमी यूरोप में स्थित एक खूबसूरत देश है। इसकी सीमा बेल्जियम, लक्समबर्ग, जर्मनी, स्विट्जरलैंड, इटली, मोनाको, अंडारो और स्पेन से मिलती है। दोस्तों प्राकृतिक आधार पर इसे 8 भागों में बांट सकते हैं। पेरिस बेसिन यह देश का अति महत्वपूर्ण भाग है, जो यातायात साधनों द्वारा देश के हर भाग से जुड़ा है। यह बेसिन का एक कटोरी के रूप में है, जो बीच के गहरों तथा ऊंचा चारों ओर होता है। दोस्तों इसके साथ उत्तर पश्चिमी प्रदेश एक टिबियन बेसिन, मध्य का पठार, पूर्वी सीमांत रोसेयान घाटी और भूमध्य सागरीय प्रदेश, पश्चिम एक्सप्रेस तथा जूरा प्रदेश सहित 8 भागों में बांटा जा सकता है। दोस्तों यहाँ की जलवायु समुद्री है, जिसका प्रभाव सागर के दूर से जाने पर कम होता है। दोस्तों फ्रेंच 5वें गणतंत्र के फ्रेंच संविधान के द्वारा देश सरकार की एक अर्ध राष्ट्रपति प्रणाली निर्धारित की गई है। दोस्तों फ्रांस यूरोपीय एकल बाजार का भी हिस्सा है, जो 500 मिलियन से अधिक उपभोक्ताओं का प्रतिनिधित्व करती है। दोस्तों यहाँ कृषि प्रमुख उद्योग है। यूरोप में कृषिगत वस्तुओं के निर्यात में नीदरलैंड के बाद ही इसका स्थान है। दोस्तों 2012 में अमेरिका 67 मिलियन पर्यटक और चीन 58 मिलियन पर्यटक से कहीं आगे 83 मिलियन विदेशी पर्यटकों के साथ फ्रांस को पर्यटन स्थल के रूप में प्रथम स्थान दिया गया है। इस 83 मिलियन लोगों के आंकड़ों में 24 घंटे से कम तक रहने वाले लोगों, जैसे कि उत्तरी यूरोपीय लोग स्पेन या इटली जाने के लिए फ्रांस को पार करते हैं। दोस्तों फ्रांस विशेष रूप से पेरिस में दुनिया के बड़े और प्रसिद्ध संग्रहालय हैं, जिनमें से कुछ जैसे कि लोवर, जो कि दुनिया का सबसे अधिक देखे जाने वाली कला संग्रहालय है। और दोस्तों फ्रांस इन सभी के अलावा विश्व का सबसे बड़ा टूरिस्ट सिटी भी है, जहाँ पर आप एफिल टावर, लेवेरे संग्रहालय, नोटे डेम कैथलिस, पैलेस ऑफ वर्सलिस, डंजीलैंड ऑफ दी ट्रायम्फ जैसे जगहों को देखने जा सकते हैं। वैसे दोस्तों आपको कैसा लगा यह देश और यह वीडियो, आप हमें कमेंट करें। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर करें। चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको और भी ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहे। वीडियो में हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।